नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज, खबर नालंदा से है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं, कोई समाज के लिए जीता है तो कोई अपने आप के लिए जी रहा है, तो यहीं कोई ऐसे भी हैं जो देश के लिए जी रहा है। मनुष्य एक सामाजिक कार्य करता है, जैसे दूसरों के दुख में उसका मदद करता है। ऐसा ही कुछ वाक्य बिहार शरीफ प्रखंड के सोहर सराय के वार्ड नंबर 4 सोहर सराय की है, जहां वार्ड सदस्य आरती देवी के द्वारा लगातार लॉकडाउन 2 के बाद रोजाना गरीब असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 4 सोहरा सराय अंतर्गत कई ऐसे महादलित परिवार हैं जो रोज कमाकर खाकर अपनी भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर खाने पीने की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी। इसी को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार वार्ड नंबर 4 में वैसे लोग जो राशन कार्ड से वंचित हैं, उन लोगों के बीच 15 किलो अनाज, सरसों तेल, साबुन, दाल समेत कई ऐसी खाद्य सामग्री है जिनका वितरण किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर दलित कुमार गुप्ता, सत्येंद्र कुमार, नीरज साहब सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या बांटा जा रहा है? बांटा जा रहा है 7.5 किलो चावल है, 7.5 किलो गेहूँ है, उसके बाद आधा लीटर तेल है, वो फिर मसाला है, नमक है, साबुन है, दाल है और चाय पत्ती है। इन लोगों के बीच में बांटा जा रहा है? ये बांटा जा रहा है जो हमारे वार्ड नंबर 4 में जिनको राशन कार्ड नहीं है, जो राशन कार्ड से वंचित है, जो किरेदार है, गरीब है, गुरबा है, जिसको खाने का साधन है, उन लोगों को दिया जा रहा है। अब तक कितने लोगों को बांटा गया? अब तक 150 आदमी को बांट दिया गया। आगे बांटा जाएगा? अब आगे कल परसों तक बांटा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार गुप्ता है।